हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाओ इंडिया वाओ में। आज हमारे LNS क्लब में 30 का सेलिब्रेशन है और हमारे सभी गेस्ट बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुए हैं और हमारे कुछ गेस्ट ने अभी आना शुरू भी कर दिया है। आया तीज का त्योहार, सखियों हो जाओ तैयार, मेहंदी हाथों में लगा के कर लो 16 श्रृंगार, चूड़ी खन 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 के, पायल चम 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 चम, बाजो बिंदियों की चमक अपार। आया तीज का त्योहार, इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर आज हमने अपने LNS क्लब में 30 की पार्टी रखी है। आज हम सभी LNS बहनें मिलकर 30 मनाएंगे। तैयारी अभी बाकी है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है जल्दी जल्दी गेस्ट के आने से पहले अपनी पूरी तैयारी कराने में। हमारे गेस्ट आ गए हैं, हमने अपने गेस्ट का स्वागत तिलक करके और उन पर फूल बिखेर कर किया। ठंडी ठंडी हवा जब गोरी के गालों को छूती हुई, बारिश की बूंदें पत्तों पर झूलती हुई, धुली धुली धरती, माटी की सौंधी सौंधी खुशबू, यही है सावन का महीना। और इसके हजारों रूप हैं, यह मौसम है झूलों का, उत्सवों का, व्रत का, उपवास का, हरी भरी चूड़ियों का, तीज त्यौहार का और प्यार भरी सावनी सोमवार का, हमारे फ्रेंडशिप डे का। हमारी सभी LNS बहनें सभी त्यौहारों को बहुत ही प्रेम के साथ आपस में मिलजुल कर मनाती हैं। आज हमारे क्लब में डांस कंपटीशन है और हमने रखी है डियर फ्लावर ज्वेलरी मेकिंग कंपटीशन और हमने रखा है लड्डू जी की सज्जा कंपटीशन। और ये हमारी होस्ट हैं अंजू गुप्ता, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया है। साल पुराना हमारा यह क्लब एक क्लब ना होके LNS परिवार है, जिसमें सभी सदस्य बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये हमारी क्लब की कोषाध्यक्ष पूजा मित्तल जी हैं, जो आज बहुत बिजी हैं। और ये है हमारे क्लब की अध्यक्षा कविता मिठा। इसकी पवित्र छाया में, इसकी पवित्र छाया में बलिदान होने की, बलिदान होने की प्रेरणा मिली है, प्रेरणा मिली है। हम सब
हम सब एक स्वर से इसकी प्रतिष्ठा को सदा आगे बढ़ाते रहने की प्रतिज्ञा करते हैं ताकि संसार में इसका मस्तक सदा गर्भ से ऊंचा उठकर लहराता रहे। जय हिंद। जय नौनिहाल। कृपया हमारा डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है।
भक्तों को तेरी फिकर, तुझे लग ना जाए कहीं दुनिया की बुरी नजर, तुझे लग ना जाए कहीं दुनिया की बुरी नजर।